नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट के बारे में। आप सभी लोगों में से काफ़ी सारे लोग अकाउंट्स लाइन में वर्क करते होंगे, जिनका जो फील्ड है अकाउंट्स है और वो एज एन अकाउंट वर्क करते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में वर्क कर रहे हैं, आपको 1-2 ईयर्स हुए हैं अकाउंट्स में वर्क करते हुए, तो आप सभी लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट क्या है एंड ऑडिट का जो लिमिट होता है, किन लोगों को ऑडिट कराना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई सारे इंटरव्यू अटेंड किए होंगे जहाँ पे कि आपसे पूछा जाता है कि ऑडिट किसे कराना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग के माइंड में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि क्लैरिटी पूरी नहीं रहती है। उन्हें आधी इंफॉर्मेशन पता होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे वो हेजिटेट हो जाते हैं एंड विद कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है, उसको आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो में ऑडिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई भी ऑडिट के बारे में कुछ पूछता है तो आप उसको क्लियरली अच्छे से बता सकें, या फिर वो आपके कोर स्टाफ हो या फिर वो इंटरव्यूअर क्यों ना हो। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑडिट है, ऑडिट के लिए जो टर्नओवर लिमिट होती है वो होती है, अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से क्रॉस कर जाता है उस कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। तो ये होता है 1 करोड़ अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, असेसमेंट ईयर 2022 एंड 2023 का जो ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराने का जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर 2022 से पहले आपको अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 का टैक्स ऑडिट करा देना है। अगर आप 30 सितंबर 2022 के बाद कराते हैं तो वहाँ पे आपको लेट फी चार्जेस के बाद आपको जो ऑडिट है वो करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान देना है, टाइमली आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ऑडिट करवा लेना है बिफोर 30 सितंबर 2022। तो अंडर सेक्शन 44AD को फॉलो करते हुए आपके बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है एंड आप ऑडिट नहीं करवाना चाहते, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिया है, उसको फॉलो करके आप ऑडिट को स्किप भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपसे कहती है कि पूरे ईयर, यानी कि जो एग्रीगेट ईयर में आपका टर्नओवर है, उस टर्नओवर में आपको कैश 8% का आपको इनकम प्रॉफिट शो करना है, या फिर बैंक के थ्रू जो आप रिसीव करते हैं पेमेंट, बैंक के थ्रू आपने जो रिसीव किया है पेमेंट, आपको वहाँ पर 6% इनकम प्रॉफिट शो करनी है। इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने के बाद आप ऑडिट को स्किप कर सकते हैं। 2 कंडीशन है, कैश में आप 8% इनकम प्रॉफिट शो कर दीजिए, या फिर बैंक के थ्रू जो आप रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे आप 6% इनकम प्रॉफिट शो कर दीजिए, आपको ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन 44AD कहता है। अगर आप चाहें तो सेक्शन 44AD को डीपली आप जाके स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है क्लियरली, और आप वहाँ पे जाके अगर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ है तब भी आप ऑडिट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज रखी हैं, टर्म एंड कंडीशंस रखी हैं, उसको फॉलो करके अगर आप ऑडिट को नहीं करवाना चाहते, अपने कंपनी का ऑडिट नहीं करवाना चाहते, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि पूरे एग्रीगेट ईयर का जो टर्नओवर है, आपके टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का 5% कैश में अगर आपने लेन देन किया हो, या फिर जो बैंक के थ्रू आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो 95% होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं ऑडिट को। यानी कि सपोज़ कीजिए आपके बिजनेस का पूरा टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर, आपने कैश में जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपने किए हैं एंड उन एक्सपेंसेस की पेमेंट आपने कैश में 5% की है एग्रीगेट टर्नओवर का, तब आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसी तरीके से लेने में, यानी कि आपके बिजनेस का जो पूरा टर्नओवर है वहाँ पे, उसमें आपने कैश में 5% पेमेंट रिसीव किया है, तभी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। 95% आपका बैंक के थ्रू, यानी कि चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑडिट को स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन को डिस्कस किया। सबसे पहले, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो आपको ऑडिट करवाना है। लास्ट ड्यू डेट मैंने आप लोग के साथ शेयर की है 30 सितंबर 2022।
फिनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। सेकेंड कंडीशन, अगर आप ऑडिट नहीं करवाना चाहते, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है, तो अंडर सेक्शन 44AD का आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैश आपके बिजनेस का जो टोटल ट्रांजैक्शन है, जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है, वहाँ पे आपको शो करना है कि कैश में आपको शो करना है 8% इनकम प्रॉफिट शो करना है, एंड बैंक के थ्रू अगर आप टोटल रिसीव कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, तो वहाँ पे 6% आपको इनकम प्रॉफिट शो करना है, तब आप ऑडिट को स्किप कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि 1-10 करोड़ अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है, यहाँ पे आपने एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि पूरे बिजनेस का जो पूरा टर्नओवर है आपका पूरे ईयर का, वहाँ पे आपने 5% कैश में लेन देन किया हो एंड 95% आपने बैंक के थ्रू यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करना है, तभी आप स्किप कर सकते हैं ऑडिट को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की ऑडिट के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ऑडिट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं है। अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यूअर से, अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप उसको आंसर कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई स्टाफ आपसे पूछ सकता है, अगर पूछता है तो भी आप उसको क्लियरली आंसर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।